कहते थे मोदी जी हम 56 इंच वाले हैं, 56 इंच वाले हैं, इस 24 के चुनाव में वो 24 इंच के हो गए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब वो मोदी जी नहीं हैं जो कहते थे कि अकेले हम सरकार बना लेंगे, ये तो बैसाखी पे चल रहे हैं। नीतीश कुमार हो या चंद्र नायडू बाबू हो, दोनों को लेके चल रहे हैं। ये दोनों हट जाएंगे तो मोदी कहाँ फेंका जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार जी बैसाखी बने हुए हैं, उधर वो बैसाखी बने हुए हैं। बिना बैसाखी के मोदी जी प्रधानमंत्री का सपना भी नहीं देख सकते हैं। अग्निवीर जैसे योजनाओं पे बोल रहे हैं कि अग्निवीर को ख़त्म कर देना चाहिए, सही में ख़त्म कर देना चाहिए। ये 75 साल के प्रधानमंत्री कहते हैं हम जिंदगी भर रहेंगे, और 22 साल का युवा को 17-18 साल में ज्वाइनिंग और 22 साल में ख़त्म। तो 22 साल में ही अगुआ भी नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लोग बुढ़ापा में भी चाह रहे हैं कि हम कुर्सी पे बैठे रहें और युवा युवा में ही बेरोजगार हो जाए, ये कौन चाहेगा। दिल्ली में जो हो रहा है उथल पुथल हो रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देना चाहिए, उसके साथ साथ कर UCC नहीं लागू होना चाहिए। उधर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र में लोकसभा का जो स्पीकर का पद है वो हमें मिलना चाहिए। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अब उतना मजबूत रहे पहले के? देखिए, ये 56 इंच वाले ना 24 इंच वाले हो गए हैं 24 के चुनाव में। जो कहते थे मोदी जी हम 56 इंच वाले हैं, 56 इंच वाले हैं, इस 24 के चुनाव में वो 24 इंच के हो गए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब वो मोदी जी नहीं हैं जो कहते थे कि अकेले हम सरकार बना लेंगे, ये तो बैसाखी पे चल रहे हैं। नीतीश कुमार हो या चंद्र नायडू बाबू हो, दोनों को लेके चल रहे हैं। ये दोनों हट जाएंगे तो मोदी कहाँ फेंका जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार जी बैसाखी बने हुए हैं, उधर वो बैसाखी बने हुए हैं। बिना बैसाखी के मोदी जी प्रधानमंत्री का सपना भी नहीं देख सकते हैं। तो ये कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, अब खुद बैसाखी पर तो कहते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, हम तो बायोलॉजिकल नहीं आए हैं, हम ऊपर से आए हैं, नीचे से आए हैं, पता नहीं आकाश से आए हैं कि पाताल से आए हैं। तो सब इसी चुनाव में पता चल गया कि आकाश से आए हैं कि पाताल से आए हैं कि ऊपर से आए हैं कि नीचे से आए हैं, सब पता चल गया। जहाँ मंदिर बनवाए वही मंदिर से सफाए हो गए, वहीं से सफा हो गए। तो आप जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो दिन नहीं रहा कि राम 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 रटते रहिए और राम आपको सफा करते रहेंगे। राम जी को वो लोग इन किए थे, मंदिर बनाए थे राम जी आप... उनको नीतीश कुमार वाला तीर सीधे मोदी जी को जाके छाती पे लगा और अयोध्या से सफा चट हो गया। इस बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में भी रहेंगे तो देश का विकास होगा। देखिए, विकास की बात तो हम अभी नहीं कहेंगे कि कौन क्या करेंगे, लेकिन अभी सब लोग कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको कुर्सी मिले तो हमको कुर्सी मिले। कोई चाह रहा है हमको ये मंत्रिमंडल मिले तो वो मंत्री, चिराग जी चाह रहे हैं, कोई चिराग जी तो पूरा चाह रहे हैं, उनको भी चाहिए, बिल्कुल चिराग जी तो बिल्कुल चाह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम ये बन गए हैं तो हम लोगों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, विकास करेंगे। सब नेता कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हमको स्पीकर बना दे, तो कोई कह रहा है ये मंत्री बना दे, कोई कह रहा है वो मंत्रालय हमको दे दे। तो सब सत्ता के लोभी है, जो गए हैं सत्ता के लोभी लोग हैं, जनता से किसी को मतलब नहीं है, सब कुर्सी के लिए कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और कुत्ता बिल्ली के भी लड़ाई के बीच में पता चला तीसरा उठा के भाग गया। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। इस पे नीतीश कुमार अभी सरकार बना नहीं, अभी से ही समीक्षा कर रहे हैं कि समीक्षा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी का ये प्रस्ताव देश के युवा उनको स्वागत करती है, तहे दिल से धन्यवाद करती है कि नीतीश कुमार जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक उल्टा पुल्टा अल्लर बल्लर बयान दे रहे थे, जैसे अकेले हुए हैं फ्री हुए हैं तब से सही बात वो बोल रहे हैं। विशेष राज दर्जा की बात कर रहे हैं, अग्निवीर जैसे योजनाओं पे बोल रहे हैं कि अग्निवीर को ख़त्म कर देना चाहिए, सही में ख़त्म कर देना चाहिए। ये 75 साल के प्रधानमंत्री कहते हैं हम जिंदगी भर रहेंगे और 22 साल का युवा को 17-18 साल में ज्वाइनिंग और 22 साल में ख़त्म। तो 22 साल में ही अगुआ भी नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लोग बुढ़ापा में भी चाह रहे हैं कि हम कुर्सी पे बैठे रहे और युवा युवा में ही बेरोजगार हो जाए, ये कौन चाहेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले से हम लोग काफी खुश हैं। नीतीश कुमार जब भी सही फैसला लेते हैं हम लोग उनके साथ होते हैं, और जब भी गलत फैसला लेते हैं हम लोग उनका विरोध करते हैं। हम लोग चापलूसी और दलाली करने वाले लोग नहीं है, हम लोग गलत को गलत और सही को सही कहने वाले हैं।